नवानगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे दो शातिर फोन स्निचर्स को गिरफ्तार किया है जो रात के समय ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दरअसल मामला सिंगरौली जिले के नवानगर का है, जहां दो आरोपियों ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर रखी थी। वहीं सिंगरौली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी जीजा साले वारदात से पहले रेकी कर यह पता लगाते थे कि पुलिस की टीम कहां कहां लगी है, इसके बाद वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी के रूप में सामने आई है। इनके पास से 1,00,000 रुपए कीमत के 5 नग मोबाइल फोन, चोरी की एक बाइक बरामद की गई है। टीआई उमेश प्रताप सिंह के मुताबिक पुलिस ने नवानगर विंध्य नगर बेड़न में घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 मार्च को थाना नवानगर थाना बेड़न से कुल 5 वारदातें लगभग 3 घंटे के अंतराल में 5 वारदातें हुई, लूट की हुई थी। इसलिए आज उनको दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है, जो थाना बेड़न थे और नवानगर थाने का मुसलका बरामद किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। जेएसआर टाइम्स के लिए सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।